उर्वशी, कल हमने देखा कि ज़ेलेंस्की के लिए यूरोपियन यूनियन के सदन में तालियां गूंजी। आज हम देख रहे थे अमेरिका में वो तालियां गूंज रही। ये जो एक ग्लोबल सपोर्ट दिखाई दे रहा है यूक्रेन के लिए, और आज जो बाइडेन ने समर्थन में हर तरीके के शब्द कहे, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? और जो बड़े सपोर्ट, अगर आपने पूरे स्पीच सुना, हम भी सुन रहे थे, जो बड़े सपोर्ट की बात उन्होंने की है, आज एक कलेक्टिव वॉइस की तरह, अमेरिका के एक कलेक्टिव वॉइस की तरह वो बात कर रहे थे, उसमें क्या नजर आया? बड़े कदम, बड़े स्टेप, बड़े ऐलान, आपको क्या नजर आया बाइडेन की स्पीच में? जी, सबसे बड़ी बात थी कि आज जो ये स्पीच है वो है यूनियन स्पीच, यानी कि यूनियन एड्रेस है। और ये पूरे साल में एक बार होता है अपने नेशन की कंडीशन बताने के लिए, नेशन क्या है, एक मैसेज देते हैं पूरे नेशन को। और इस समय इस स्पीच में ये बात कहनी कि हम यूक्रेन के साथ हैं, हर इंच तक लड़ेंगे, हालांकि हमारी सेना वहां नहीं जाएगी, लेकिन हम हर तरीके की मदद करेंगे, वहीं चाइना को भी आगाह किया गया। ये तमाम चीजें इतने बड़े मंच पर ये साफ बताती हैं कि यूएस अपनी पूरी तरीके से तैयार है रशिया को अलग थलग करने के लिए, और पूरी तरीके से तैयार है यूक्रेन का साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे मंच से ये तमाम चीजें कह देना, क्योंकि ज़ेलेंस्की से आज भी बात हुई है जो बाइडेन की, और बाइडेन ने तब भी उनको यही साफ तौर पर कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको हम फाइनेंशियली सपोर्ट देते जाएंगे, जो एड हम आपको दे रहे हैं, वेपन्स की एड दे रहे हैं, तमाम सपोर्ट हम आपको करते रहेंगे, एंड तक करते रहेंगे। और साथ ही साथ इस पूरी स्पीच में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, रशिया के पास एक बहुत बड़ी चीज थी कि गैस, ऑयल, इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और इस स्पीच में उन्होंने तमाम एक बात सबके सामने रख दी कि हमने रिजर्व कर रखी है ऑयल, और हमारे पास तमाम चीजें हैं, तो इस वक्त हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सैंक्शंस पे सैंक्शंस हम लगाते जाएंगे। ये बात सही कही आपने उर्वशी, क्योंकि इसको लेकर अमेरिका के अंदर भी तमाम तरह की आशंकाएं लोगों के जहन में जन्म ले चुकी थी कि आने वाले वक्त में गैस और ऑयल के प्राइसेस में तेजी से इजाफा होगा, और उन आशंकाओं को भी दूर करते हुए जो बाइडेन आज नजर आए। ठीक है, बिल्कुल। उर्वशी गौड़ हमारे साथ मौजूद है मेक्सिको से। उर्वशी, लेकिन अभी एक तरफ अमेरिका का आप रुख देखिए, यूरोपियन यूनियन का आप रुख देखिए, और दूसरी तरफ यूक्रेन में इस वक्त ग्राउंड पर जो स्थिति है वो देखिए। पूरा यूक्रेन बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, और रशियन फोर्सेस बहुत तेजी से यूक्रेन के तमाम शहरों को अपने कब्जे में लेने की होड़ में नजर आ रही हैं। जब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी देश को, रूस को छीनने नहीं देंगे, आजादी वर्सेस लोकतंत्र की लड़ाई इसे बताया जा रहा है, आजादी वर्सेस अत्याचार की लड़ाई इसे बताया जा रहा है, तो ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं वो तो जुदा नजर आ रही। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ग्राउंड पे जो स्थिति है वो ऐसी है। अब ये कहा भी जा रहा है कि अब आने वाले दो दिन या आने वाले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत टफ होने वाले हैं। और अब क्या है, रशिया एक चीज समझिए, सिंपल सी बात है कि अब ईगो का सवाल भी कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है पुतिन जी का। अब पुतिन साहब का ईगो का सवाल भी आ गया है कि यहाँ पे पूरा यूरोप और पूरे ये नाटो की जो पूरी कंट्रीज हैं वो एक साइड हैं, और दो भागों में ये पूरा विश्व मुझे बटता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अब जो स्थिति है फुल फ्लेज तरीके से अगर देखा जाए तो रशिया भी फुल फ्लेज तरीके से लड़ने के लिए भी नहीं आया है। और वहीं अब जो दिखाई दे रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं अपनी सेना, अपनी हर तरीके से अब लड़ने के लिए पूर्ण रूप से पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी फोर्स लगा रहा है। होगा अब सबसे दिलचस्प सवाल यही कि पुतिन इस लड़ाई को कितना आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उनका।